हेलो एंड वेलकम टू बुकर ज्वाइंट। आज मैं आपके साथ अपने बचपन की एक खास डिश को शेयर करने वाली हूँ, जिसे मेरे घर में हमेशा बनाया जाता था और मेरी मम्मी और दीदी इसे बनाया करती थी। तो हमारे घर की तो स्थिति ये थी कि चाहे किसी का बर्थडे हो या कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हो, बनेगा तो ब्रेड रोल ही। और जैसे ही इसकी प्रिपरेशन चालू होती थी, हम बच्चों के उत्साह के क्या कहने थे। तो ब्रेड रोल बहुत ही हमारे दिल के करीब और टेस्टी सा नाश्ता है, जो बहुत ही क्रिस्पी होता है और इसे बनाना उतना ही आसान। तो आइए मेरे किचन में, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे ये ब्रेड रोल बनाया जाता है। तो जिस ऑयल में मुझे रोल को फ्राई करना है, सबसे पहले मैं उसमें क्या करूंगी कि बादाम को फ्राई कर लूंगी। ये मूंगफली है, सभी के घर में बहुत ही आराम से ये मिल जाती है। तो पहला काम है मूंगफली को फ्राई करना। और अब आइए इसके लिए आलू का मसाला हम लोग रेडी करते हैं। तो एक पैन में तेल गर्म किया और जीरा, हरी मिर्च, साथ ही मैं इसमें ग्रेटेड जिंजर और ग्रेटेड, या आप चाहो तो उसे थोड़ा क्रश कर लो, लहसुन डालूंगी। इन दोनों को अच्छी तरह से फ्राई करना है और फिर 1 chopped अनियन डालकर उस अनियन को हमें ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है। जब भी रोल का मसाला रेडी करते हैं तो हम लोग इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डालते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑयल डालने से जो आलू होता है वो थोड़ा चिपचिप हो जाता है। अब मैं इसमें मसाला डालूंगी। तो 1 teaspoon जीरा पाउडर और 1 teaspoon धनिया पाउडर, साथ ही इसमें हल्दी, और आपके अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें लाल मिर्च डालिए, और हल्का सा पानी डालकर इस मसाले को हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है। मसाले को धीमी आंच पे हमें फ्राई करना है। एक बार हमारा मसाला फ्राई हो जाए, फिर हम इसमें जो ऑयल, जो आलू है उसे मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखा है, तो फिर मैं इसमें बॉईल आलू डालूंगी। आलू को बस हाथों से मैं तोड़ रही हूँ और इसे सीधे पैन में डाल रहे हैं। आलू पहले से छिला हुआ है और ठंडा हो चुका है। सारे आलू को इसी तरह से हमें पैन में डालना है। तो फिर चूंकि ये बचपन की कुछ और बातें मैं बताऊं, जब ये ब्रेड रोल बनने की तैयारी होती थी तो आलू भी बॉयल होता था, तो मम्मी हम लोगों को आलू दे देती थी छीलने के लिए, और हम लोग बहुत खुशी खुशी उसे मम्मी के कामों में हेल्प करते थे, आगे पीछे करते थे, क्योंकि ब्रेड रोल बनने वाला है, खाना तो हमें ही है। तो बहुत ही मीठी सी याद है इस डिश के साथ। और ये गरम मसाला 1 teaspoon, यही इस आलू के मसाले की जान हुआ करती है। फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। इन सभी के साथ इस आलू को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। एक बार हमारा आलू अच्छे से भुना जाए, फिर हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, इस आलू को ठंडा करना पड़ेगा। तो देखिए हमारा आलू अच्छे से भुन गया है, और मैं जो स्पैचुला है उसकी सहायता से आलू को थोड़ा सा मैश कर ले रही हूँ, पर बाकी जो भी मैस है वो मैं जब आलू ठंडा हो जाएगा तो हाथों की सहायता से कर लूँगी। अब इन आलू को ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। वो मूंगफली वाले ही बाउल में मैंने इसे डाल दिया है, और थोड़ा सा हरा धनिया ठंडा होने पे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। और ब्रेड लेंगे, ब्रेड के चारों कोनों को हमें काट लेना है, जो ये ब्राउन हिस्सा होता है।
आप चाहो तो नहीं भी काट सकते हो, पर कटा हुआ ब्रेड से शेप बहुत ही अच्छा आता है और देखने में भी खूबसूरत होता है। और ये जो कटा हुआ हिस्सा है, इसको आप बाद में ब्रेड क्रम्स के जैसा बना के किसी भी कटलेट में डाल सकते हैं, तो वेस्ट नहीं होता है। इस ब्रेड को हमें क्या करना है कि पानी में हल्का सा सोक करके पूरा वाटर को स्क्वीज कर लेना है, और जो हमारा आलू का मसाला है उस ब्रेड पे हम रखेंगे और अच्छी तरह से हमें हाथों की सहायता से इसे फोल्ड करना है। देखिए कुछ नहीं, हमें बस ब्रेड को पानी में डुबाना है, स्क्वीज करना है, और जो हमारा आलू का मसाला है, ब्रेड को दोनों तरफ से हमें बीच में लाना है और दोनों साइड से हमें अच्छी तरह से इसे फोल्ड करना है। देखिए हमारा एकदम कटलेट का शेप आ चुका है। आप चाहे तो राउंड भी दे सकते हैं, पर हमें तो कटलेट का ही शेप पसंद था। ये ब्रेड मैं विदाउट कटे हुए बना रही हूँ। तो जब भी आप इसके किनारा काटते नहीं है तो करना क्या होता है, ये जो किनारे का हिस्सा होता है इसको पूरा बीच में करके अंदर की ओर दबा देना होता है, अदरवाइज वो जो किनारे का हिस्सा है वहां से ये ओपन होने लगता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसीलिए प्रेफर मैं करती हूँ कि साइड्स को काट लूँ। अब हमारा सारा रोल रेडी हो चुका है। अब इसकी डेकोरेशन की बारी, वो हम लोग किससे करते थे, सेमिलोना। ये सूजी है, सूजी में इस जो हमारे ब्रेड के कटलेट बनाए थे उसे हम हल्का सा रोल कर लेंगे और फिर कढ़ाई में इसे डाल देंगे। अच्छी तरह से इसे तलना है। इसे हमें मीडियम टू हाई हीट पे ही फ्राई करना है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि इसे हमें एकदम लो हीट में फ्राई करना है। अच्छी तरह से हमें थोड़ा हाई हीट रहे तभी इसे हम फ्राई करेंगे, और ब्रेड बहुत जल्दी फ्राई होता है तो थोड़ा लाल कलर का जब आने लगे ना तब हमें इसे निकालना है। इस कटलेट की जो खास बात होती है कि ये तेल में जाके फटता नहीं है, या इसमें नो फेल रेसिपी आप कह सकते हैं। जो नॉर्मल दूसरी कटलेट होती है वो समटाइम आप देखिए, आलू की कटलेट आप ऑयल में डालते हो तो अच्छे से अगर आपका नहीं बना हुआ है मसाला तो फट जाता है, इसमें ऐसी कोई डर नहीं है। बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। आप देखिए एकदम ये लाल हो चुका है। हल्का हल्का आप अब इसको निकालने का आ चुकी है चांस। देखिए क्या कलर आया है, इसे देखकर ही टेम्पटिंग लग रहा है और खाने का मन कर रहा है। तो आप भी इसे बनाइए अपने घर में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके घर में भी सभी को ये बहुत पसंद आएगा और बहुत ही आसानी से बनने वाला है। और हाँ, सूजी का रोल डालना एकदम मत भूलिएगा, उसमें इससे खूबसूरती बढ़ती है जिसके चलते आपको खाने में और मन लगेगा। देखिए कितना क्रिस्प बना है। तो बनाइए अपने घर में और अपने परिवार के साथ ब्रेड रोल का आनंद लीजिए। फिर मिलेंगे फिर एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए भुक्कड़ जॉइंट की पूरी टीम्स की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।